स्पोकन हो या ग्रामर एंड कंपोजिशन हो, जो सबसे पहला चैप्टर जो आता है इंग्लिश में वो है सेंटेंस, या इसको हम कहते हैं वाक्य। अब सेंटेंस या वाक्य है क्या? जो मैं आपसे बात कर रहा हूं इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि अलग अलग शब्द को मैं साथ में अरेंज करके डिलीवर कर रहा हूं आपको। तो ये अलग अलग शब्दों का एक समूह है जिससे आपको कुछ मतलब समझ में आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, अलग अलग शब्द एक साथ मिलके कुछ मतलब बता रहे हैं। अरे ये मैंने लिखा है कि शब्दों का समूह जो कुछ मतलब बताए, तो ये अलग अलग शब्द हैं जो एक साथ मिलके कुछ मतलब बता रहे हैं, कुछ मीनिंग बता रहे हैं, इसको हम कहते हैं सेंटेंस या वाक्य। अब एक सेंटेंस के हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक जिसके बारे में हम बात करते हैं, दूसरा जिस बारे में हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? आरुष के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम आरुष के बारे में बात कर रहे हैं, और किस बारे में बात कर रहे हैं? उसके इंटेलिजेंट होने के बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट? इसके बारे में बात कर रहे हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं इसको कहते हैं सब्जेक्ट, और जिस बारे में हम बात करते हैं इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, या इसी को प्रेडिकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हमने क्या देखा, सेंटेंस शब्दों का समूह जो कुछ मतलब बताए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अलग अलग शब्द एक साथ मिलके अगर कुछ मतलब बता रहे हैं हमको, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। और एक सेंटेंस के हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक जिसके बारे में हम बात करेंगे या और दूसरा जिस बारे में हम बात करेंगे। जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगा सब्जेक्ट, और जिस बारे में हम बात करेंगे वो होगा ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आज मंगलवार है, टुडे इज ट्यूजडे, तो मैं आज के बारे में बात कर रहा हूँ, टुडे के बारे में बात कर रहा हूँ, ये हो गया सब्जेक्ट। और मंगलवार के बारे में बात कर रहा हूँ, एक दिन के बारे में बात कर रहा हूँ वो हो गया सब्जेक्ट, और उसके मंगलवार होने के बारे में बात कर रहा हूँ वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो जिसके बारे में बात करते हैं वो हो गया सब्जेक्ट, और जिस बारे में बात करते हैं वो हो गया ऑब्जेक्ट। बट जहाँ पे दो लाइन है सिर्फ, जैसे आरुष इज इंटेलिजेंट, जहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है, सो अगर दो वर्ड ही हैं, जैसे यहाँ पे दो वर्ड थे, तो हमारे लिए इजी था ये आइडेंटिफाई करना कि ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, और एग्जाम में आता है। एग्जाम में कैसे आएगा, जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूँ कि कोच हैज डिसाइडेड टू सस्पेंड द प्लेयर फॉर वन मैच, अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि कोच हैज डिसाइडेड टू सस्पेंड द प्लेयर फॉर वन मैच, मतलब कोच ने खिलाड़ी को एक मैच के लिए सस्पेंड करने का फैसला लिया है। अब मान लीजिए इसमें हमको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट। मान लो अगर क्वेश्चन है आपका कि अंडरलाइन द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को अंडरलाइन करें, ठीक है। अब हमको करना क्या है, देखो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, तीन चीज हमने सीखी अभी। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं, करेक्ट? तो इस तरह से हमको अलग अलग आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जिस बारे में बात कर रहे हैं, या उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, ठीक है, लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, उस काम का लक्ष्य क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें, इस पूरे सेंटेंस में गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, सस्पेंड, तुम बताओ। जितना अच्छे से ये करेंगे आपकी इंग्लिश आगे उतनी अच्छी रहेगा। अगेन आई रिपीट, नो रॉकेट साइंस, कोई रॉकेट साइंस आपकी, अभी देखना आप ही के बीच में से कई ऐसे फास्ट रहेंगे जो फट 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 बनाएंगे, कई ऐसे रहेंगे जिनको कुछ समझ में ही नहीं आते रहेगा। जैसे अभी कान्हा पूछ रहा था फिर से लिखूँ या उसी को देखूँ, तो ये इस टाइप से क्वेरीज आएंगी, करेक्ट? सो जितना अच्छे से भी आप समझेंगे ये आपकी नींव उतनी मजबूत रहेगी, फिर आपकी बिल्डिंग्स उतनी मजबूत बनेगी, ठीक है। इस पूरे सेंटेंस में हमारा इस कोच का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, एक एक बताओ, तुम बताओ। सस्पेंड है एक मैच के लिए, थोड़ा जोर से बोलना, सुनाई दे रहा
दूसरे मैच, एक मैच के लिए एक जन को निकालना, एक मैच के लिए एक को सस्पेंड करना, प्लेयर को सस्पेंड करना एक मैच के लिए, प्लेयर को सस्पेंड करना, प्लेयर को सस्पेंड करना, प्लेयर को सस्पेंड करना। हाँ, तुमसे ही पूछ रहा हूँ ना, कोच का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? ओके, सब सेंड करना, सब सेंड करना मतलब सब कुछ भेजना है सर। अच्छा तो बताओ क्या है, क्या करना, क्या करना, फिर से बोलो, सस्पेंड। ओके, हाँ तू कहना बताओ क्या है गोल, ओके। सो आयुष्मान, रौनक, कान्हा, आरुष, ये चार लोग ही हैं जो सही जवाब दिए हैं। इन्होंने कहा कि प्लेयर को एक मैच के लिए, आइडेंटिफाइंग इज द फर्स्ट थिंग, हाँ आइडेंटिफाई करना पहली चीज है, उसका गोल है प्लेयर को एक मैच के लिए सस्पेंड करना। बाकी अनन्या ने, तमन्ना ने और कोई एक और था जिसने सिर्फ ये बोला कि एक मैच के लिए सस्पेंड करना, इतना बोल के छोड़ दिए। एक मैच के लिए सस्पेंड करना क्या, खुद को सस्पेंड करना, पूरी टीम को सस्पेंड करना, पांच खिलाड़ी को सस्पेंड करना, आपने आधी चीज़ तो बताया नहीं, करेक्ट। जबकि उसका मेन गोल क्या है कि खिलाड़ी को एक मैच के लिए सस्पेंड करना, ये उसका गोल है, ये उसका उद्देश्य है, ठीक है, ये गोल है। करने वाला ये है, कोच है, करेक्ट। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और खिलाड़ी को एक मैच के लिए सस्पेंड करना ये है उसका उद्देश्य, ये हो गया उसका गोल। अब जैसे मान लो खिलाड़ी को एक मैच के लिए सस्पेंड करना है उसको, तो ऐसे ही बैठे बैठे तो सस्पेंड कर नहीं देगा, ऐसे बैठे बैठे अचानक भाई कुछ काम नहीं है, खाली बैठा हूँ, चलो एक मैं प्लेयर को बुलाओ, उसको सस्पेंड कर देता हूँ, ऐसा तो करेगा नहीं भाई। उसके प्लेयर के पूरा पास रिकॉर्ड देखेगा, उसका क्या क्या बिहेवियरल इशूज़ है वो देखेगा, किस किस मैच में अच्छा परफॉर्म किया, किस में अच्छा नहीं किया, वो सब देखेगा, मतलब कुछ काम करेगा तभी वो डिसाइड करेगा, करेक्ट। तो वो हो गया प्रोसेस, वो हो गया उसका प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, आपका यहाँ आने का गोल, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, इंग्लिश सीखना, ये आपका उद्देश्य है, इंग्लिश सीखना ये आपका उद्देश्य है। अब इसके लिए आप क्या कर रहे हो, डेली एक घंटा आ रहे हो, चीज़ों को लिख रहे हो, उनको समझ रहे हो, उनको ट्रांसलेट कर रहे हो, फिर से बना रहे हो, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। उसी तरह से सस्पेंड करना ये उद्देश्य था, उसके लिए उन्होंने जो प्रोसेस उसको फॉलो किया होगा, उसका रिपोर्ट देखे होंगे, उसके पूरा रिकॉर्ड देखा होगा, करेक्ट। तो ये जो पूरा इंटायर जो प्रोसेस होता होता है, मतलब ये हो गया आपका सब्जेक्ट, टू सस्पेंड द प्लेयर फॉर वन मैच, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और यहां से लेके पूरा लास्ट तक ये होगा आपका प्रेडिकेट। अब यही जब एग्जाम में आता है तो आधे लोग क्या करते हैं, कोई यहां पे अंडरलाइन करके आ जाएगा, कोई यहां पे अंडरलाइन करके आ जाएगा, जैसे तीन लोगों ने सिर्फ टू सस्पेंड फॉर वन मैच, या तो टू सस्पेंड करते और फॉर वन मैच ऐसा कर देते, गलत हो जाता हो, और एग्जाम में आता ही है, जैसे आप आगे बढ़ोगे तो एग्जाम में पूछता ही है। तो ध्यान रखना, कोई भी सेंटेंस का एक होगा सब्जेक्ट, गोल जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आप कोच है, उसका एक है ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, ये उसका ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए वो एक प्रोसेस फॉलो करेंगे, उस प्रोसेस पूरा को इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट, करेक्ट। अब मैं कुछ लिखूंगा, उसमें से आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना है, उसी से फिर आपको पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। सही आइडेंटिफाई करेंगे प्लस वन, गलत करेंगे माइनस टू, नहीं कर पाए तो माइनस थ्री। सो सपोज इफ आई से प्रिंसिपल इज डिसाइडिंग टू फाइनलाइज द एनुअल फंक्शन डे, प्रिंसिपल वार्षिकोत्सव दिन
फाइनलाइज करने की का डिसाइड डिसीजन ले रहे हैं. सो प्रिंसिपल इज डिसाइडिंग टू फाइनलाइज द एनुअल फंक्शन डे. तो इसमें आपको अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. कॉपी में लिखना है, अंडरलाइन करना है, फिर दिखाना है. सही रहेगा, +1.